नमस्कार, स्वागत है आपका टुडे साउथ पर। मैं अनुपम सिन्हा आपके साथ। मैं आज बात करने जा रहा हूं कि क्यों कन्नड़ा सिनेमा जिस ऊंचाई तक पहुंचना चाहिए था उसको KGF 1 से लेकर अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाया। अगर आप हमारे चैनल से शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम होगा कि मैं हमेशा से बात करता आ रहा हूं कि किस प्रकार KGF 1 और अच्छा बिजनेस कर सकती थी लेकिन नहीं किया, क्योंकि उसके डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे कमियां नजर आ रही। इस बात में कोई मुझे संकोच नहीं है, मैं इस बात को मानता हूं, आई एग्री कि KGF 2 का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ज्यादा स्ट्रांग होगा, बिकॉज KGF 1 ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है इंडस्ट्री में कि यश प्लस KGF का जो ब्रांड है ये एक सेलेबल ब्रांड है, बिकाऊ ब्रांड है और ये बिकेगा। तो इसका पार्ट 2 मेरे ख्याल से बेहतर डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन इस दौरान आई हुई 3 फिल्में बहुत ज्यादा अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई, जबकि वो तीनों फिल्में हिंदी में रिलीज होने के लिए तैयार थी। उनमें से सिर्फ एक ही फिल्म हिंदी में रिलीज की, बाकी 2 फिल्में तो हिंदी में रिलीज भी नहीं कर पाई। पहली फिल्म थी पहलवान, रिलीज हुई, सुदीप का एक अच्छा इंप्रेशन भी है नॉर्थ इंडिया में, लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म नहीं चल पाई। इसका मैं प्रमुख कारण ये भी मानूंगा कि इस फिल्म की स्टोरी थोड़ी सी डेटेड थी। ऐसा नॉर्थ के लोगों से मुझे जो प्रतिक्रिया मिली है वो ये मिली है कि कहानी ऐसा लग रहा था कि 1980s की कहानी देखी जा रही हो। कहानी में नयापन जो खोजा जा रहा था या जो एक नया प्रेजेंटेशन का तरीका खोजा जा रहा था वो नहीं दिखाई दे रहा था। जहाँ जहाँ सुदीप के सीन्स थे, एक्शन सीन्स थे, बहुत प्यारे लगे लोगों को, लेकिन कहानी थोड़ी सी लचर लगी। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण जिसके कारण पहलवान नहीं चली, पहलवान बहुत अच्छा चलती बिहार और यूपी के सेगमेंट्स में, लेकिन वहाँ नहीं चल पाई क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फिल्म का कम। कुरुक्षेत्रा और अपने श्रीमन नारायणा तो हिंदी में रिलीज ही नहीं कर पाई, क्योंकि इन लोगों को प्रॉपर जो एक सेटअप चाहिए था, जितने थिएटर्स चाहिए थे, जिस तरह का रिलीज चाहिए था, वो नॉर्थ के डिस्ट्रीब्यूटर्स दे ही नहीं पा रहे थे। नॉर्थ के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ इन लोगों का जो तालमेल बैठना चाहिए था वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा। प्रॉब्लम मल्टी प्रॉन्ग। पहली चीज़ तो ये है कि कुरुक्षेत्रा के चाहे प्रोड्यूसर्स हों, चाहे अवनी श्रीमन नारायण के प्रोड्यूसर्स हों, इनका नॉर्थ इंडिया की बिजनेस स्टाइल से या नॉर्थ इंडिया की जो इंडस्ट्री है उससे कनेक्शन थोड़ा कमज़ोर है। इसके चलते एक तरह से देखा जाए अगर तो इन लोगों को पता ही नहीं था मेरे ख्याल से, एंड दिस इज़ माई बिगेस्ट प्रॉब्लम। मुझे सबसे ज़्यादा समस्या इसी चीज़ से है कि होमवर्क मैंने शुरू से कहा था, मैंने अवनी श्रीमन नारायण का भी मेरा शुरू का वीडियो उठाइएगा आप देखिएगा कि मैंने बार बार कहा है बहुत ज़रूरी है कि डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाए। कुरुक्षेत्रा की वीडियो में भी मैंने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी, अगर डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा प्रॉब्लम्स होंगे, और ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं क्योंकि कुरुक्षेत्रा और अवनी श्रीमन नारायण फिल्में हिंदी में तैयार थी लेकिन रिलीज नहीं कर पाई, दुर्भाग्य है। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि अगर आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो ये एक मुहिम चलाइए फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जगह जगह जहां पर ये प्रोड्यूसर्स हमारी बात सुन सकें, कि पहला ध्यान उन लोगों को देना होगा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। एक बहुत स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क करना होगा, एक बहुत स्ट्रांग PR नेटवर्क क्रिएट करना होगा नॉर्थ में। कुरुक्षेत्रा का जहां तक सवाल उठता है, मैं आपको ये साफ बता देता हूं कि नॉर्थ इंडिया में एक भी ऐसा अजय देवगन फैन नहीं है। दर्शन एक इंटेंसिटी में, एक्शन में, अपने रेंज ऑफ एक्टिंग में वो अगर कंपेयर नहीं करता हूं, लेकिन अगर मुझे कंपेयर करने के लिए कहा जाए तो मैं कहूंगा कि वो अजय देवगन है। अवनी श्रीमन नारायण एक अजीब अच्छी फैंटेसी फिल्म, एक बहुत ही प्यारे तरीके से बनाई हुई फिल्म थी, कॉमेडी था, एक्शन था, एक अनबिलीवेबल एनवायरनमेंट था। फिल्म चली होती है नॉर्थ इंडिया में लेकिन रिलीज तो होना आवश्यक था, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट करें, ट्वीट करें, फेसबुक पर जाकर के कमेंट करें, फेसबुक पे मैसेजेस डालें अपने मित्रों को, बात बढ़ाएं इस बात को कि अब साउथ के प्रोड्यूसर्स, खासतौर पे हमारी कन्नड़ा सिनेमा के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो इस बात पर ध्यान दें कि आने वाली फिल्में जो हैं, इसके बाद भी बहुत सारी अच्छी फिल्में आती रहेंगी, लेकिन नॉर्थ इंडिया ब्रीच तब होगा जब डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, मुझे मालूम है हर एक बात से हर व्यक्ति नहीं सहमत होगा, कई लोगों को ये खराब लग जाएगा कि मैंने दर्शन का कंपैरिजन किया अजय के साथ, किंतु कंपैरिजन्स होते हैं इंडस्ट्री के। अमिताभ बच्चन का भी अल पचीनो से और मार्लन ब्रांडो से कंपैरिजन हुआ अलग अलग रोल से, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी बात क्या है, खबर पहुंचाना, ये कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान दें। मैं आता रहूंगा इसी तरह के खबरें लेकर के आपके सामने, कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। मिलता हूँ एक दूसरे वीडियो के साथ, धन्यवाद।